अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज मेरे चैनल पर मैं आपको एक अनोखे सांप से मिला रहा हूँ। देखिए, जंप किया स्टार्टिंग में ही लेकिन मुझे पता था ये जंप करेगा बोल के, तो पहले थोड़ी देर के लिए मैं भरनी इधर रख देता हूँ। दोस्तों, इस सांप की खासियत है कि ये फ्लाइंग करता है। फ्लाइंग इसलिए बोल रहा है कि सब लोग बोलते हैं कि ये फ्लाइंग करता बोल के, तो ये फ्लाइंग नहीं करता, ये ग्लाइड करता है। और ये ग्लाइड करने का वजह क्या है कि इसके जो शिकार है वो फ्लाइंग गेको है, और इसका भौरे जो नारियल के पेड़ पर रहते वो भौरे इसका आहार है। तो ये उनको खाने के लिए, उनको चेस करने के लिए इसके अंदर ये खासियत अल्लाह ताला ने डाली कि ये भी ग्लाइड कर सके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर सके। तो ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करने के लिए अपने बॉडी को चपटा कर देता है। और इसकी जो जबान रहती है ये 3 कलर की होती है इसकी जबान। अगर मेरा दोस्त इसको फोकस कर पाएगा तो आपको चैनल पर दिखेगा, वीडियो में दिखेगा। और ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक जो है, इसके कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं इसके, एक ऑरेंज कलर, एक ब्लैक जो जिसमें धारियां होती है शेडिंग, और फिर इसका जो पूरा शरीर का जो कलर है मिला हुआ ये रेडियम कलर जो होता है, ग्रीन कलर का पोपटी रेडियम कलर होता है। तो ये, और इसका जो सर होता है एकदम चपटा होता है ऊपर से नीचे से। और इसकी एक खास बात है कि ये सेमी वेनमस है, और इसकी जो आंख के पपिल है ये राउंड है, जो कि नॉन वेनमस की निशानी है। राउंड पपिल नॉन वेनमस के होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होता है ऊपर की तरफ वो वेनमस का होता है, और वर्टिकल यानी ऐसा आड़ा पपिल जो होता है वो सेमी वेनमस का होता है। लेकिन ये सेमी वेनमस होते हुए भी इसकी आंख की पपिल जो है वो राउंड है, नॉन वेनमस की तरह इसका पपिल्स है। और ये ट्री स्नेक में आता है, ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक इसका नाम है, यानी कि इसका नाम है उड़न अलंकृत सर्प। अलंकृत यानी कि इसके अलंकार होते हैं शरीर के ऊपर, पूरा कलर होता है। और इसकी दुम जो है, वेंटिलेशन जो होता है इसका, ये वेंटिलेशन है इसका, जो मूत्र विसर्जन मल विसर्जन करने का जो ये इसको पार्ट है उसको वेंटिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो वेंटिलेशन से इतनी लंबी पूंछ इसकी निकली हुई होती है। ये इसलिए है कि ये जो पूंछ से अपने को पेड़ से ग्रिप बना सके, ये इससे ग्रिप बना लेता है। अभी ये पेड़ पर जब चढ़ता है तो इससे हमारे ग्रिप बना लेता है, और जंप करने के टाइम ये ग्रिप बना के आधा हिस्सा हवा में रखता है और अपने आप को थोड़ा 1-2-3 बार में झोला मार के जंप कर देता है। तब उस समय उसका जो फ्लाइंग होता है तो चपटा हो जाता है बॉडी। तो और इसके बारे में मैं हर बार बताता हूँ, और बार बार ये मुझे मिलता है बरसात के मौसम में। दोस्तों, दांडेली का मौसम बहुत ही घनी वर्षावन वाला है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और पूरा नज़ारा आपको देखने से पता चलेगा कि कितनी बारिश हुई इधर बोल के। तो अभी हम लोग इसको एक ऐसे पेड़ पर छोड़ता हूँ जिससे कि वो पेड़ जो है इसके ऊपर पूरा दिखाई देता है। वो पत्ता जो है एकदम ग्रीन है ना, उसके ऊपर दिखता नहीं, ये भी कलर ग्रीन है, ये पोपटी कलर है। और लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर जो कर्नाटक में ज्यादा करके ये सांप को चिणगी हाँ बोल के डरा देते हैं, ये सर पर मारता है ऐसा है, ये भी मिथ्या मैं आपको दिल से निकालना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है, ये काटने से इंसान को कुछ भी नहीं होता। सेमी वेनमस इसलिए नाम रखा है कि इसके जो शिकार है छोटे छोटे, वो शिकार को इसका जो वेनम रहता है वो असर करता है, वो भी उतना नहीं, वो पैरालाइज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको खाने के लिए आसानी हो जाता है, शिकार इससे स्ट्रगल करने में असमर्थ हो जाता है और इसे खा सकते हैं। और ये देखिए पेड़ के ऊपर एक ग्रिप कैसा पकड़ता है। अब ये जंप मारने का कोशिश करेगा या तो फिर ऊपर की डाली पर जाने का कोशिश करेगा, अगर इसको थोड़ा भी हम लोग डिस्टर्ब किए तो ये जंप कर देता है। पेड़ ही इसकी दुनिया है, पेड़ के ऊपर ही ये रहता है, पेड़ के ऊपर ही इसके शिकार पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लाइंग गेको मैंने पहले ही बताया था आपको, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको लगे कि यहाँ भी उसको खतरा है तो वहां से वो जंप कर सकता है, और अपने शिकार को चेस करने के लिए जब ग्लाइडिंग जो
फ्लाइंग गेको रहता है वो जब ग्लाइड करता है वो भी ग्लाइड करता है फ्लाइंग गेको, तो ग्लाइड करके दूसरे पेड़ पर चला गया तो उसको चेस करने के लिए इसको ये शक्ति अल्लाह ताला ने भगवान ने सृष्टि कर्ता ने दी हुई है। तो अभी इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रजाक शाह स्नेक रेस्क्यूअर। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन दबाएंगे तो उसका आपको मैं जितने वीडियो डालते रहूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव एनिमल, सेव स्नेक। जय भारत।